सो हे गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ जर्नी, दिल्ली टू कोलकाता जाऊँगा मैं पहले, तो कोलकाता की जो एयरपोर्ट के पास की जो अट्रैक्शंस हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो टाइम हो गया है 11:10, निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से बरेली के लिए। बरेली से लूँगा मैं यूपी ट्रांसपोर्ट की एसी बस जो मुझे दिल्ली में ड्रॉप करेगी। साथ में जा रहे हैं गौरव भाई और सक्षम, ये लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि कार लेकर अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो चलते हैं, एंजॉय कीजिए आप इस जर्नी को। सो गाइस, पहुंच गया हूं सैटेलाइट, करते हैं यहां से अपनी बस का टिकट बुक और पहुंचते हैं दिल्ली। सो गाइस, आ गया हूं बस में और 2 बजे बस निकल रही है यहाँ से, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे में पहुँचा देगी मुझे दिल्ली। सो टाइम है 9:10, आ गया हूँ अपने होटल, चलते हैं अब रूम में। सो टाइम हुआ है 9:08, आ गया हूँ होटल, जिस होटल में ऑलवेज मैं रुकता हूँ, अब तो मैनेजर साहब पहचान भी लेते हैं। तो होता हूँ फ्रेश, रूम दिखा देता हूँ आपको, वैसे ही है सारे रूम, बस रूम नंबर चेंज हो जाता है, रूम वैसे ही है। तो एक बात दिखाता हूँ आपको ये रूम, फिर होते हैं फ्रेश, ऑर्डर करते हैं चाय अपनी। तो ये है डोर एंट्रेंस, ये है इनका बेड, यहाँ पर एक वर्क डेस्क दी हुई है, सामने लगा हुआ है मिरर, टीवी देखता नहीं हूँ मैं, कवर्ड, एसी की ज़रूरत नहीं है, और वॉशरूम, वॉशरूम में मिरर है या नहीं है। तो बस एक रात मुझे काटनी होती है एज यूज़ुअल। तो होता हूँ फ्रेश जल्दी से, पेंटिंग बहुत अच्छी लगी हुई है, अच्छी लग रही है, राधा कृष्ण जी की ही है, अच्छी है, हमारे भगवान हैं, दर्शन हो जाएंगे मॉर्निंग में। तो ऑर्डर करता हूँ मैं जल्दी से चाय अपनी, और लाया था कचौड़ियाँ घर से, क्योंकि जाते टाइम पर यही आखिरी हमारा खाना होता है जो घर में मम्मी या भाभी के हाथ का खाना होता है। तो जल्दी से फ्रेश होता हूँ, चाय आएगी, चाय आने के बाद कचौड़ियाँ खाऊँगा, फिर मिलते हैं। सो गाइस, आ गई है हमारी चाय और ले ली है मैंने अपनी कचौड़ियाँ अभी खाने के लिए। तो करता हूँ जल्दी से अपना, यही डिनर है, फिर आराम करूँगा और सुबह जल्दी उठना है। सो गाइस, हो गया है मेरा डिनर डन और टाइम हो गया है 9:50, मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी की फ़्लाइट है, 6:50 की फ़्लाइट है, तो मुझे 4 बजे निकलना होगा। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग, बाय। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया है 3:50, हो गया हूँ मैं रेडी और निकल रहा हूँ। नींद सुकून की नहीं आई थी क्योंकि 3:30 बजे उठना था और आप जानते हैं 10:30 बज गया था नींद आते आते, तो मैं सोच रहा था वैसा ना हो कि लेट हो जाऊँ। सो नींद प्रॉपर नहीं आ पाई है, थोड़ी सी आवाज़ भी भारी हो रही है, हल्की सी ठंड थी। और निकल रहे हैं, ओला को मैंने बुक कर लिया है, तो ओला कैब आने वाली होगी, पहुँचते हैं रिसेप्शन पे, करते हैं चेकआउट की प्रोसीडिंग्स को डन और मिलते हैं अब टैक्सी में। सो आ गई है हमारी टैक्सी, तो खुल नहीं रहा, निकलते हैं, चलिए, थैंक यू भैया, 9899। सो गाइस, टाइम हो गया है 4:10, आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा भीड़ है, जब भी एयरपोर्ट आओ दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, देख सकते हैं आप पीछे, देखिए भयंकर भीड़ है, भयंकर, और सामने भी। तो चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, करते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स डन। सो गाइस, आ गया हूँ अंदर और चेक इन पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये है एयर इंडिया। तो पहले हमें जाना है एयर इंडिया से कोलकाता, तो ENG पर होना है हमारा चेक इन, तो जी है वहाँ पर, तो चलते हैं, करते हैं चेक इन। चारों तरफ भीड़ और दौड़ते हुए आदमी,
चलो इस साइड थोड़ी कम भीड़ है, यहाँ करा लेते हैं। हो गए भाई सारे प्रोसेस डन। और ये सिक्योरिटी चेक इन जो है ना बड़ा हड़ता है यार, क्या होता है इसमें भाई, मैं लैपटॉप भूल गया था बैग से बाहर निकालना, फिर से गया, फिर वापस आना, फिर चेक इन होना, बड़ी नौटंकी होती है। तो आ गए भाई ड्यूटी फ्री में, बज गया है 4:50, जल्दी हो गया यार, थोड़ा लेट आना चाहिए था। चलो बैठते हैं, थोड़ी देर सुकून मिलेगा। सो गाइज मैंने एक फ़ोन लिया था, आप जानते हैं आईफोन 14 प्रो म्यांमार से, तो वहाँ का अडाप्टर मिल रहा था जो इंडिया में नहीं प्लग इन होता है, और यहाँ मैंने लिया था तो अडाप्टर मैंने नहीं लिया था, भाइयों के फ़ोन से घर पे चार्ज कर लिया था। लेकिन अब आप जानते हैं कि कल से मैं आया हुआ हूँ, मैंने फ़ोन चार्ज नहीं किया है क्योंकि मेरे पास अडाप्टर नहीं है। तो आया हूँ मैं अडाप्टर देखने, मिल जाए यहाँ पर स्टोर कोई तो ज़्यादा बेटर है। चलिए ढूंढते हैं, क्रोमा स्टोर सामने दिख रहा है, दिखाते हैं आपको, दिख तो रहा है क्रोमा जिप इन स्टोर ऑनलाइन मोबाइल, इसका मतलब है मिल जाएगा यहाँ पर डॉक्टर, मिल जाता है ज़्यादा बेटर है, देखते हैं किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा। ये है महंगा है, 1900 का है, चलिए ले लेते हैं। सो गाइस मिल गया है अडाप्टर, 100 रुपये महंगा मिला यहाँ पर 1900 का, ऑनलाइन आई थिंक 1800 का मिल जाता है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 1 घंटा है अप्रॉक्सीमेटली हमारी फ़्लाइट में। तो ये देखिए वैलेंटाइन डे के लिए बनाया जा रहा है सेल्फी पॉइंट भाई, तो घूमते हैं थोड़ी देर फिर चलते हैं अपने फ़्लाइट गेट की तरफ। मैं एयर इंडिया से फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये काफ़ी ख़राब ही सुना है इनका एक्सपीरियंस, अच्छा नहीं होता है लोग कहते हैं, बताऊँगा जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। सो गाइस आ गया हूँ मैं अपने गेट पर, देख सकते हैं सामने है मेरा गेट नंबर 27। तो मुझे हल्का सी भूख लग रही है क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैं कर लूँ। सो गाइस ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है 1 सॉफ्ट ड्रिंक और पनीर टिक्कर रैप। तो ये जो यहाँ पर है 307, सामने है कैफे चीनो। तो फ़्लाइट में अभी टाइम है 2 घंटे, तो बर्बाद तो यहीं करने हैं, जल्दी आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम ही बर्बाद हो रहा है। सो गाइस एज़ यू कैन सी द बोर्डिंग इज स्टार्टिंग, सो मैं जा रहा हूँ 2 मिनट में, मैं भी अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। सो गाइज आ गया हूँ अपनी सीट पर, पहला बैड एक्सपीरियंस, विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट किया था नहीं दिया है, यानी एयर इंडिया के बारे में सारे लोग सही कहते हैं, एक्सपीरियंस ख़राब ही रहता है एयर इंडिया में, अगर सीट अवेलेबल नहीं थी तो बता सकते थे मुझे कि नहीं है, बताया भी नहीं है। Yes, the cabin lights will be dim. We will come back shortly. Your message is reading lights on for personal use. Thank you. So, okay. Breakfast. Veg. Time 7:30. So, आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर, ये दिख रहा है साइड में आपको हलवा, दही यानी योगर्ट दिया है इन्होंने साइड में और बटर है। तो करता हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। सो गाइस फाइनली टाइम हुआ है 9:45, फ्लाइट जो है 30 मिनट्स पहले लैंड हो गई है। आ गया हूँ मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, तो चलते हैं बाहर।
सो गाइस मिल गया है मेरा लगेज, एक मेरे पास बैकपैक है, एक मेरे पास ये ट्रॉली बैग है। तो अभी जा रहा हूँ बाहर, करूँगा कोई टैक्सी कि मुझे आस पड़ोस की जो जगहें हैं वो घुमा दे। तो देखते हैं कितना क्या पैसे बताता है। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ जिससे भी बात कर रहा हूँ हिंदी बोल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, वरना इंडिया में ही आके इंग्लिश बोलो। तो देखते हैं, चलते हैं बाहर, निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। सो फाइनली आ गया हूँ एयरपोर्ट के बाहर, तो अब देखता हूँ कोई टैक्सी। और ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वेस्ट बंगाल में हूँ अभी मैं, तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो डेट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय हिंद की सेना।